नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन संसार में। दोस्तों, आज है रविवार का दिन यानी कहानियों का दिन, तो आइए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी सहयोग। मनोरमा एक भूल से सचेत होकर जब तक उसे सुधारने में लगती है, तब तक उसकी दूसरी भूल उसे अपनी मनुष्यता पर ही संदेह दिलाने लगती है। प्रतिदिन प्रतिक्षण भूल की अविच्छिन्न श्रृंखला मानव जीवन को जकड़े हुए है। यह उसने कभी हृदयंगम नहीं किया। भ्रम को उसने शत्रु के रूप में देखा, वह उससे प्रतिपद संकित और संदिग्ध रहने लगी। उसकी स्वाभाविकता सरलता जो बनावटी भ्रम उत्पन्न कर दिया करती थी और उसके अस्तित्व में सुंदरता पालिश कर दिया करती थी, अब उससे बिछुड़ने लगी। वह एक बनावटी रूप और आवभगत को अपना आभरण समझने लगी। मोहन एक हृदयहीन युवक उसे दिल्ली से ब्याह कर लाया था। उसकी स्वाभाविकता पर अपने आतंक से क्रूर शासन करके उसे आत्मचिंता शून्य पतिगति प्राणा बनाने की उत्कट अभिलाषा से हृदयहीन कल से चलती फिरती हुई पुतली बना डाला और वह इसी में अपनी विजय और पौरुष की पराकाष्ठा समझने लगा था। धीरे धीरे जब मनोरमा में अपना निज का कुछ नहीं रहा, वह उसे एक प्रकार से भूल सी गई थी। दिल्ली के समीप का यमुना तट का वह गांव जिसमें वह पली थी बढ़ी थी, अब उसे कुछ विस्मित सा हो चला था। वह ब्याह करने के बाद द्विरागमन के अवसर पर जब से अपनी ससुराल आई थी, वह एक अद्भुत दृश्य था। मनुष्य समाज में पुरुषों के लिए वह कोई बड़ी बात ना थी, किंतु जब उन्हें घर छोड़कर कभी किसी काम में परदेश जाना पड़ता है, तब उनको उस कथा के अधम अंश का आभास सूचित होता है। वह सेवा और स्नेह वृत्ति वाली स्त्रियां ही कर सकती हैं, जहां अपना कोई नहीं है, जिससे कभी की जान पहचान नहीं, जिस स्थान पर केवल वधू दर्शन का कौतूहल मात्र उसकी अभ्यर्थना करने वाला है, वहां वह रोते और सिसकते किसी साहस से आई और किसी को अपने रूप से, किसी को अपने विनय से, किसी को स्नेह से उसने वश करना आरंभ किया। उसे सफलता भी मिली। जिस तरह एक महायुद्योगी किसी भारी अनुसंधान के लिए अपने घर से अलग होकर अपने सहारे अपना साधन बनाता है, वह कथा सरितसार के साहसिक लोग बैताल या विद्याधरत्व की सिद्ध की असंभवनीय साहस का परिचय देते हैं, वह इन प्रतिदिन साहस कारणी मनुष्य जात की किशोरियों के सामने क्या है, जिनकी बुद्धि और अवस्था कुछ भी इसके अनुकूल नहीं है। हिंदू शास्त्रानुसार शूद्रा स्त्री मनोरमा ने आश्चर्यपूर्वक ससुराल में द्वितीय जन्म ग्रहण कर लिया। उसे दुजन्मा कहने में कोई बाधा नहीं है। मेला देखकर मोहन लौटा। उसकी अनुराग लता, उसकी प्रगल्भा प्रेमिका ने उसका साथ नहीं दिया। संभवतः वह किसी विशेष आकर्षक पुरुष के साथ सहयोग करके चली गई। मेला ही उसका फीका हो गया। नदी के पुल पर एक पत्थर पर वह बैठ गया। अंधेरी रात धीरे धीरे गंभीर होती जा रही थी। कोलाहल, जनरव और रसीली ताने विरल हो चली। ज्यों ज्यों एकांत होने लगा, मोहन की आतुरता बढ़ने लगी। नदी तट की शरद जननी में एकांत किसी की अपेक्षा करने लगा। उसका हृदय चंचल हो चला। मोहन ने सोचा, इस समय क्या करें। विनोदी हृदय उत्सुक हुआ। वह चाहे जो हो, किसी की संगति को इस समय आवश्यक समझने लगा। प्यार न करने पर भी मनोरमा का ही ध्यान आया। समस्या हल होते देखकर वह घर की ओर चल पड़ा। मनोरमा का त्यौहार अभी बाकी था। नगर में एक नीरव अवसाद हो गया था, किंतु मनोरमा के हृदय में कोलाहल हो रहा था। ऐसे त्यौहार के दिन भी वह मोहन को न खिला सकी थी। लैंप के मंद प्रकाश में खिड़की के जंगले के पास वह बैठी रही। विचारने को कुछ भी उसके पास ना था। केवल स्वामी की आशा में दास के समान वह उत्कंठित बैठी थी। दरवाजा खटका, वह उठी। चतुरादासी से भी अच्छी तरह उसने स्वामी की अभ्यर्थना, सेवा, आदर और सत्कार करने में अपने को लगा दिया। मोहन चुपचाप अपने ग्रासों के साथ वाग युद्ध और
दंत घर्षण करने लगा। मनोरमा ने भूल कर भी यह नहीं पूछा कि तुम इतनी देर कहाँ थे, क्यों नहीं आए। ना वह रोटी ना वह ऐठी, गुरु मान की कौन कहे, लघुमान का छीटा नहीं। मोहन को यह और असह हो गया। उसने समझा कि हम इस योग्य भी नहीं रहे कि कोई हमसे यह पूछे तुम कहाँ इतनी देर तक मरते थे। पत्नी का अपमान उसे और यंत्रणा देने लगा। वह भोजन करते करते अकस्मात रुक गया। मनोरमा ने पूछा, क्या दूध ले आऊं? अब और कुछ नहीं लीजिएगा क्या? साधारण प्रश्न था, किंतु मोहन को प्रतीत हुआ कि यह तो अतिथि की सी अभ्यर्थना है, गृहस्थ की अपने घर की सी नहीं। वह चट बोल उठा, नहीं आज दूध ना लूँगा। किंतु मनोरमा तो तब तक दूध का कटोरा लेकर सामने आ गई, बोली, थोड़ा सा लीजिए अभी गर्म है। मोहन बार बार सोचता था कि कोई ऐसी बात निकले जिसमें मुझे कुछ करना पड़े और मनोरमा मननी बने, मैं उसे मनाऊं। किंतु मनोरमा में वह मिट्टी ही नहीं, मनोरमा तो कल की पुतली हो गई थी। मोहन ने दूध अभी गर्म है इसी में से देर होने का व्यंग निकाल लिया और कहा, हाँ आज मेला देखने चला गया था इसी में देर हो गई। किंतु वहाँ कैफियत तो कोई लेता न था, देने के लिए प्रस्तुत अवश्य था। मनोरमा ने कहा, नहीं अभी देर तो नहीं हुई है, आध घंटा हुआ होगा कि दूध उतारा गया है। मोहन हताश हो गया, चुपचाप पलंग पर जा लेटा। मनोरमा ने उधर ध्यान भी नहीं दिया, वह चतुरता से गृहस्थी की सारी वस्तुओं को समेटने लगी। थोड़ी देर में इससे निबट कर वह अपनी भूल समझ गई, चट पान लगाने बैठ गई। मोहन ने यह देखकर कहा, नहीं मैं पान इस समय ना खाऊंगा। मनोरमा ने भयभीत स्वर से कहा, बिखरी हुई चीज़ें इकट्ठी ना कर लेती तो बिल्ली चूहे उसे खराब कर देते, थोड़ी देर हुई है क्षमा कीजिए, दो पान तो अवश्य खा लीजिए। बाध्य होकर मोहन को दो पान खाना पड़ा। अब मनोरमा पैर दबाने बैठी, वेश्या से तिरस्कृत मोहन घबरा उठा। वह इस सेवा से कब छुट्टी पावे, इस सहयोग से क्या बस चले। उसने विचारा कि मनोरमा को मैंने ही तो ऐसा बनाना चाहा था, अब वह ऐसी हुई तो मुझे अब विरक्त क्यों है। इसके चरित्र का यह अंश क्यों नहीं रुचता। किसी ने उसके कान में धीरे से कहा, तुम तो अपनी स्त्री को अपनी दासी बनाना चाहते थे, जो वास्तव में तुम्हारी अंतरात्मा को उपसित नहीं थी, तुम्हारी कुप्रवृत्तियों की वह उत्तेजना थी कि वह तुम्हारे चिर संगनी न होकर दासी के समान आज्ञाकारिणी मात्र रहे। वही हुआ, अब क्यों झकते हो। अकस्मात मोहन उठ बैठा। मोहन और मनोरमा एक दूसरे के पैर पकड़े हुए थे। बस यही थी आज की कहानी। धन्यवाद।